लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की मांग पर आज सिडको ने बड़ा फैसला करते हुए 4 सामाजिक भूखंडों को मंजूरी दी है। इनमें कुश्ती अखाड़ा, महिला भवन, शूटिंग रेंज और बाल भवन के लिए आवंटित होने वाले भूखंडों का समावेश है। मंदाताई मात्रे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इससे नवम्बई की महिलाओं, बच्चों और खिलाड़ियों के साथ ही कुश्ती प्रेमियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। उन्होंने इन उपक्रमों के विकास के लिए विधायक निधि देने का भी भरोसा दिलाया है। देखिए रिपोर्ट। शहर बस आने वाली सिडको ने आज बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की मांग पर नवम्बई में 4 भूखंडों के आवंटन की औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इनमें सीबीडी सेक्टर 11 में बाल भवन के लिए भूखंड, नेरुल के पहाड़ी इलाकों में शूटिंग रेंज, सानपाड़ा में कुश्ती अखाड़ा, सीवुड सेक्टर 48 में महिला भवन के लिए भूखंडों का समावेश है। आज सिडको MD डॉक्टर संजय मुखर्जी और मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ हुई बैठक में इन भूखंडों के आवंटन पर निर्णय लिया गया। बैठक के हवाले से मंदाताई मात्रे ने कहा कि इससे महिलाओं को स्वयं रोजगार विकास का अवसर मिलेगा, वहीं शूटिंग रेंज में नए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण का मौका और बाल भवन में बच्चों के कला गुणों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। शूटिंग रेंज और महिला भवन के लिए 25-25 लाख की विधायक निधि की घोषणा कर चुकी बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि इन भूखंडों पर तत्संबंधी विकास के लिए जितना भी हो सकेगा विधायक निधि प्रदान करेंगी। बाल भवन हमको सेक्टर 2 सीबीडी में जगह 11 घंटे की दे रहे हैं। उसके बाद हमने महिला भवन की मांग की, 48 में 850 का प्लॉट है वो दे रहे हैं। उसके बाद में शूटिंग रेंज के बारे में बात की, वो पहाड़ी के पास नेहरुल में देख रहे हैं। उसके बाद में कुश्ती का मैदान नहीं है, वो सानपाड़ा में देना चाहिए, उनकी मैं मांग पूरी की। पहली बार नवी मुंबई में 40 साल में पहली बार ऐसे MD मिले हैं डॉक्टर संजय मुखर्जी और अभिजीत बांगर में, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि पहले मीटिंग में हमको 5 भूखंड आज जाहिर किए और अधिकारी को संबंधित भूखंड के ताबड़तोड़ मिनट्स और मालूम देने के लिए उनको मेरे को 2 दिन में बताया गया। बताना जरूरी है कि इससे पहले मंदाताई मात्रे की मांग पर सिडको ने बेलापुर विधानसभा क्षेत्र में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए 5 एकड़ भूखंड को मंजूरी दी है। इसके आवंटन का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा रहा है। मंदाताई मात्रे ने कहा कि इस हॉस्पिटल में 2 ICU सेंटर बनाने के लिए जो भी धनराशि लगने वाली है वह विधायक निधि से खर्च की जाएगी। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। पहले भूखंड का प्रस्ताव जो हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का जो किधर तक काम आ गया उसकी बातचीत हो गई। उन्होंने कहा 2 दिन में प्रस्ताव शासन के पास जा रहा है, अच्छा विकास होगा। इसमें मेरा आमदार निधि जो 4 करोड़ जो आ रहे हैं वो इनको महिला भवन के लिए, बाल भवन के लिए, शूटिंग रेंज के लिए, खेल का मैदान के लिए, कुश्ती के लिए दिया जाएगा। और हमारे जो हॉस्पिटल बन रहे उसमें ICU के 2 फ्लोर बनेंगे, उसमें दोनों फ्लोर में मेरा आमदार निधि लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।